हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम जा रहे हैं हनुमान टेंपल जो सिमरिया में है, और सिमरिया यहाँ से छिंदवाड़ा से 20 किलोमीटर की दूरी में है। फ्रेंड्स, अभी हम निकलते हैं। तो उससे पहले अभी हमारे फ्रेंड लोग आ रहे हैं, तो उनके साथ निकलेंगे। जो प्रकाश, जो हमारा कैमरा मैन प्रकाश है, अभी तो मैंने कैमरा पकड़ा हूँ, तो अभी प्रकाश आ रहा है और रोहित आ रहा है, तो इसके साथ हम निकलते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। तो उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन को भी ऑल पर जाके सेट कर दो, ताकि मेरी नई नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हमारे फ्रेंड आ गए हैं, तो चलिए फ्रेंड्स और हम चलते हैं और वहाँ का व्यू करवाते हैं आपको। चलिए फ्रेंड्स, चलो चलते हैं।
सो हेलो फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पहुँच गए हैं हनुमान टेम्पल, हनुमान मंदिर के पास पहुँच गए हैं अभी, और अब हम अंदर चलते हैं और यहाँ का व्यू करवाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं हम अंदर। तो गाइस, ये गेट है और ये गेट से हम अंदर जा रहे हैं। चलिए गाइस, अंदर चलते हैं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे अब अपने जूते, जो शूज़ हैं, हम शूज़ उतार लेते हैं, जूते चप्पल। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अब जूते उतार लेते हैं हमारे। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पहले अंदर भगवान को दिखाने से पहले आपको हम यहाँ का दिखवाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे फैमिली लोग यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, अभी हम अपने पैर धुलने के लिए अंदर जा रहे हैं, पैर धुलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अब पैर धुल रहे हैं, हमारे प्रकाश भाई और रोहित भाई पैर धुल रहे हैं अभी यहाँ पे, पैर की शुद्धिकरण कर रहे हैं यहाँ पे। चलो मैं धुल लूँ, पकड़ो कैमरा पकड़ो। गाइस, हमारे आरसी भाई पवित्र हो रहे हैं, जैसे कि आप पवित्र हो गए हैं, बहुत दूर से आ रहे हैं ना। ये देखो, आरसी भाई जा रहा है। तो हेलो फ्रेंड्स, हमने आपको हनुमान जी के दर्शन करवा दिए हैं, तो हम आप बाकी के और भी भगवान के दर्शन कराते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, नीचे चलते हैं और दिखाते हैं आप। तो हम पहले शंकर भगवान से स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले आपको शंकर भगवान के दर्शन कराते हैं। अब हमने आपको शंकर भगवान के दर्शन करवा दिए हैं और अब हम चलते हैं शिवलिंग के पास, और जहां हम शिवलिंग का दर्शन करवाएंगे आपको। फ्रेंड्स, हमने आपको अब शिवलिंग के दर्शन करवा दिए हैं और अब हम चलते हैं सरस्वती माता, उनके पास चलते हैं, फिर वहां का आपको हम दर्शन करवाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको वहां का दर्शन करवाते हैं। Thank you.
अब आपको सरस्वती माता के भी दर्शन करवा दिए हैं और अब हम चलते हैं गणेश भगवान के पास, फिर वहाँ का आपको व्यू कराते हैं, वहाँ का दर्शन कराते हैं आपको। और फ्रेंड्स हमको कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, तो सब्सक्राइब भी करिएगा गाइस। चलिए गाइस चलते हैं वहाँ। फ्रेंड्स आपको कैसा लग रहा है हमारा वीडियो, आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगता होगा। फ्रेंड्स अब हमारे फ्रेंड यहाँ पे थोड़ा बैठना चाहते हैं, थक गए हैं घूम घूम के, तो यहाँ पे बैठने के लिए हम जा रहे हैं, फिर इसके आगे का व्यू हम आपको करा। ठीक है गाइस यहाँ का देखिए और नज़ारा। और फ्रेंड्स अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स, और बेल आइकन को भी ऑल पर जाके सेट कर दो ताकि मेरी और भी नई वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और भी मैं कई ऐसे न्यू ब्लॉग लेके आऊँगा फ्रेंड्स आपके लिए। और फ्रेंड्स हमारे ये फ्रेंड देखिए, फ्रेंड बैठे हैं यहाँ पे जो फ्रेंड बैठे हैं हमारे। सो फ्रेंड्स हमने आपको भगवान के दर्शन करवा दिए हैं, और गाइस मैं आपको और कुछ बताना चाहता हूँ, ये हनुमान मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में स्थित है, जो छिंदवाड़ा ज़िले से 20 किलोमीटर की दूरी में है गाइस। और जो यहाँ पे ये उद्घाटन हुआ था, ये माननीय कमलनाथ जी ने 2012 में इनका उद्घाटन किया था, और इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। और फ्रेंड्स मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पे ये हनुमान जी जो है ना, उनके नीचे भी और भी प्रकार की मूर्ति है। और फ्रेंड्स मैं आपको आगे का व्यू करवाता हूँ। और फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे जो किस कारण से ये मूर्ति यहाँ पे बनी थी, जो यहाँ पे 2012 में ऐसा कुछ भी नहीं था, यहाँ पे एक छोटी सी मूर्ति थी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे किस कारण से ये इतनी बड़ी मूर्ति जो बनी है और ये पार्क जो बना है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये देख रहे हैं आप, ये जो पार्क आपको ये जो पार्क दिख रहा है ना, ये 5 एकड़ में फैला हुआ है, 5 एकड़ में फैला हुआ बनाएगा इसको भाई। और फ्रेंड्स यहाँ पे भी देख रहे हैं आप, जो यहाँ पे पार्क की सफाई हो रही है, ये देखिए यहाँ पे ये पार्क की सफाई हो रही है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब हम चलते हैं घर की ओर, घर की ओर चलते हैं अब हम।
अब हमने दर्शन कर लिए और आपको व्यू दिखा दिया है। मौसम बदलने में टाइम नहीं लगता है, समय से पहले घर, मौसम से पहले घर के अंदर। हाँ गाइस, चलो चलते हैं, अब हम घर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम घर चलते हैं। चलिए, कैसा लगा मेरा मजाक? और हमें यहाँ का ये कैंटीन का व्यू करवा दिया हूँ। ये देखिए, यहाँ से आपको कैंटीन दिख रहा होगा। दो कैंटीन दिख रही है, मैं एक आगे। और यहाँ पे ये पूजा की सामग्री भी मिलती है, वो सामने से आप पूजा की सामग्री भी ले सकते हो गाइस। माननीय कमलनाथ जी यहाँ ऊपर से हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, तो उनका जो हेलीकॉप्टर था तो थोड़ा सा डगमगाया था जाते हुए, उस कारण से माननीय कमलनाथ जी ने ऐसा कहा होगा कि अच्छा हुआ जो मेरी जान बच गई। आज यहाँ पे ये इतनी बड़ी मूर्ति जो बनी है आप देख सकते हो गाइस, बहुत ही अच्छी मूर्ति बनी है। चलो ठीक है गाइस, अब हम निकलते हैं घर। बहुत ही ज़्यादा समय हो गया। ये देखिए गाड़ी, पानी का भी आने का संभावना लग रहा है मेरे को, पानी आने लगा है गाइस। तो चलिए अब हम घर चलते हैं।